हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं सैंडविच ग्रीन चटनी। इसे बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। इसे आप बना के बहुत दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं सैंडविच ग्रीन चटनी। हरी चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ग्राइंडिंग जार लिया है। इसमें हम ये हरी मिर्च डालेंगे। मैंने 3 हरी मिर्च लिया है, आप अपने अनुसार ले सकते हैं जितना तीखा खाना हो आपको। ये मैंने 2 अदरक का टुकड़ा लिया है। ये मैंने लहसुन की कली लिया है 3, इसे भी डाल देंगे। और अब ये मैंने रोस्टेड पीनट लिया है, इसे भी मैं इसमें डाल दूंगी। ये मैंने धनिया का पत्ता लिया है, ये मैंने 1 कप लिया है धनिया का पत्ता। आपके पास जितना हो आप ले सकते हैं। धनिया के पत्ते का डंटी हम नहीं हटाएंगे, इससे टेस्ट अच्छा आता है। धनिया के पत्ते को भी हम ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। अब स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक डालेंगे, 1/2 स्पून जीरा डालेंगे। जीरा डालने के बाद मैंने यहाँ पे नींबू का रस लिया है, मैंने ये 1 स्पून लिया है, इसे भी डाल देंगे। ये मैंने टेस्ट के लिए लिया है, इसे टेस्ट अच्छा आता है। मैंने यहाँ पे ठंडा पानी लिया है, आप चाहे तो आइस क्यूब भी यूज कर सकते हैं। ठंडा पानी से जो चटनी का कलर है वो बहुत दिन तक बना रहता है। मैंने यहाँ पे सब कुछ ऐड कर लिया है, अब हम इसे पीस लेंगे। तो चलिए पीसते हैं इसे। ये देखिए फ्रेंड्स, चटनी मैंने पीस लिया है। कितना अच्छा कलर आया है इसमें, ये देख सकते हैं आप, और कितना टेस्टी भी दिख रहा है। ये मैंने बाउल में निकाल लिया है चटनी, ये देखिए कितना टेस्टी दिख रहा है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप ही इसे ज़रूर ट्राई करें और सैंडविच और पकौड़े के साथ खाएं।